ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू आप अगर देख रहे हो तो पहले पार्ट नंबर वन देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस समझ में आ जाएगा। तो पार्ट नंबर टू में क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। कल मैंने फॉर्मूला तुम्हें याद कराया था, अगर याद नहीं तो आप याद कर लो। कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू एनी अपॉन कितना एन एस। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये क्या होता है एनी, ये तो होते हैं अकरिंग आउटकम्स, मतलब ये जो होते हैं ना, ये अकरिंग आउटकम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कंप्लीट टोटल। तो मैं आपको लिख देता हूँ इसमें फेवर, चलो इसको लिख देता हूँ हिंदी में, मतलब लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ये कौन से आउटकम्स होते हैं, फेवरेबल फेवरेबल फेवोरेबल आउटकम्स, और ये कौन से टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो एनी ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द इवेंट। ये क्या टोटल आउटकम्स, ये क्या है प्रोबेबिलिटी है कंप्लीटली, ठीक है, ध्यान रखना किसी इवेंट की, ई फॉर इवेंट। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया ताकि तुम समझ जाओ बस, बाकी तुम बुक से अपना आप लगाना इन्हें, ठीक है, क्लास 10th का स्पेशली लगाना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का वो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू अकर, अकर माने होता आना, अकर हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑन द कॉइन, कॉइन पे मतलब कि हेड है, तो एक कॉइन अगर होता तुम्हारा तो उस पे क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, टॉस अप। तो पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है, तो अगर आपने सॉल्यूशन डालेंगे इसका, सॉल्यूशन तो अगर आपने क्या कर, इसका सैंपल स्पेस, अगर तुमने, अगर तुम्हारे पास एक कॉइन है तो उसे उछालने पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या तो हेड या टेल, तो कितने होंगे, दो, दो ही केस होंगे ना, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है, हेड की बात कर रहा है, तो ई बराबर क्या, हमारे पास ई बराबर ओनली हेड की बात कर रहा हूं, किसकी, हेड की। तो यहां से क्या आ गया, एनी बराबर क्या आ गया, एन ई बराबर है वन। ये कौन सा आउटकम्स हमारे, टोटल वाले हैं, ये वाले कौन से फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब लगा दो फॉर्मूला क्या हमारे पास, पीई बराबर फॉर्मूला क्या, एन ई अपॉन कितना होता है एन एस, तो पीई इक्वल टू कितना आ गया, एन ई कितना, एन ई एन ई वन और अपॉन कितना एन एस, ये एन एस टू। तो बस ये इसका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी किसकी, आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे, वन अपॉन टू, ठीक है। आप ई की जगह क्या रख सकते हो, एच रख सकते हो आप, क्यों रख सकते हो, क्योंकि आपकी जो इवेंट है वो हेड आने की है, इसलिए एच रख सकते हो इवेंट की जगह, अगर टेल की होती तो टी रखते। फिर से एक बात समझो, आपका एक कॉइन है, सैंपल स्पेस निकालो, उसमें हेड या टेल आ सकता है, तो कितने हो गए, जहां भी एन लगा दोगे, एन का मतलब जितने तुम्हारे टोटल सैंपल स्पेस में जो तुम्हारे आउटकम्स हैं उन्हें जोड़ दोगे, एक दो, ठीक है। ये तो आ गया एन एस आपका, एन एस नीचे रखने का जुगाड़ हो गया हमारा, क्योंकि फॉर्मूला ये वाला है ना, ये वाला, तो नीचे रखने का हमारा जुगाड़ हो गया इसमें। अब इसके बाद फिर निकालूंगा मैं कि मालूम क्या कर रहा है, कि उसने मालूम करा हेड आने की, तो हेड आने क्या होगी, एच नहीं तो एक ही तो आएगा हेड, एक ही बार तो आएगा, तो बन। अब बस ये रहा आपका एन एस, ये रहा आपका क्या एन ई, ये क्या एन ई क्या होता है, एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन एस क्या होता है टोटल आउटकम्स। तो बस ये लगा दिया, एन ई कितने है वन है, और टोटल आउटकम्स कितने है एस, ये टू है, ठीक है ना, आपको लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस ये आ गया तुम्हारा आंसर, वन अपॉन टू आ गया। अगर मान लो इसमें अगर टैल की मालूम करता, टैल आने की, तो टैल भी एक ही बार आता, अपॉन टोटल तो नीचे रहता है, तो वन अपॉन टू, दोनों का आंसर सेम रहता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो कहेगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी, देखो मैं यहीं बता देता हूँ आपको, कि हेड की भी और टैल की भी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि एस तो हमारा वही है टू, हमारा जो ई है ना, ई हेड और टैल, हेड और टेल, तो बस तेरा हेड भी और टेल भी, तो ये कितना आ गया, एनी बराबर टू ही आ गया। अब अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना, एनी अपॉन कितना एन एस, तो कितना टू अपॉन टू, कट के क्या आ गया, वन आ गया। तो अगर हेड और टेल की दोनों की, तो वैसे ही वन अपॉन टू जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी की एक की मालूम करना है ओनली, तो उसकी वन अपॉन टू होगी, ठीक है, समझ गए होंगे बात आप। चलो अभी सबको देखो आप, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू कम टेल
तो ये तो पक्का पता लग गया। एस बराबर कितना, पहले सैंपल स्पेस लिखो। कोई अगर तुम कॉइन उछालोगे तो कॉइन पे हेड या टेल आएगा। तो एन एस कितना आ गया, 2 ही आ गया, क्योंकि दो या तो हेड या टेल दो होगी घटना इवेंट। तो अगर टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस लिख लिया आपने, एस क्या होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जितनी टोटल इवेंट है, टोटल जो अकरिंग है। और ई कितना है हमारे पास निकालना, क्या आपके टैल की निकालनी है, तो ओनली टैल की बात कर रहे हैं। तो एन ई बराबर कितना आ गया इससे, ये आ गया 1। अब आपको क्या निकालना, पी टी टैल की निकालनी, तो एन टी अपॉन कितना है, जहां पे आपका ये 1/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अभी मैंने बताया था वैसे आपको। अब वो कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू कम हेड बाय थ्रोइंग डाइस। तो डाइस जो होता है, डाइस जो होता है, एक क्या होता है, एक डाइस जो होता है हमारे पास, डाइस क्या होता है, तो डाइस जो होता है ना हमारे पास एक पासा होता है, एक दो इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, 3 4 5 लेके 6, तो 6 तक नंबर होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहा है किसकी, हेड आने की, उछाल रहा डाइस। तो ये कैसे पॉसिबल है, डाइस उछालोगे तो 1 2 3 4 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या आएगा डाइस का, 1 बन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर सैंपल नंबर ऑफ कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब तो निकाले मैं टोटल, लेकिन वो किसके बात का, डाइस हेड की। तो भैया ई बराबर क्या होगा तुम्हारे पास, ई बराबर हेड तो आने वाला है नहीं इसमें, तो ये हेड आएगा नहीं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा नीचे, यानी कि जो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम से वो 0 हो गया। ये इवेंट जो होगी वो क्या, इम्पोसिबल इवेंट है। क्या नाम है इसका, इम्पोसिबल। क्यों इम्पोसिबल इवेंट, इसलिए है क्योंकि आपसे बात की गई हेड की, उछाल के रहा डाइस, डाइस पे क्या आता है 1 2 3 4 5 6, तो भैया अगर डाइस उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो टैल का हेड कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। डायरेक्टली 0 मत लिखना, ऐसे लिखना। तो बस एन एस कितना 6 आ गया, एन ई कितना, ये तो बस यहाँ कर लो आप। तो पी बराबर कितना आगे से निकल गया, पी बराबर आगा तो तुम्हारा निकल के एन ई, और अपोन में कितना एन एस, यानी कितना 0 अपॉन कितना 6, तो कितना आ गया 0, आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई 0, क्योंकि ये अनसर्टेन, ओ ये इवेंट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि ये मतलब अकरिंग नहीं होगा, अकरिंग क्योंकि आप उछाल रहे हो क्या डाइस, और बात कर रहे हो किसकी, हेड की, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप इसके बाद अपनी एक्सरसाइज लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन कर दूंगा, थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए इतने क्वेश्चन मैं आपको केवल बेसिक बेसिक बताया करूँगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम की ज़्यादा नीड होती है। ओके, सो आप इसे लगाइए, और जो कमेंट में आप बता सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।